शामिल। स्कूल कब शुरू होगा? कभी नहीं। अरे कभी तो होगा, कोविड गया, अभी खत्म हुआ कोविड। अभी घर पे आया तो घर के सारे काम करने पड़ते हैं। मम्मी ने मुझे नीचे भेजा था, बारिश इतनी जोरों से आई, आपका भाई भीग गया। अभी मुझे बाइक लेने जाना है, फाइनली अपनी बाइक मुंबई में आ चुकी है, तो अभी मुझे भिवंडी जाके बाइक कलेक्ट करनी है। बाइक किस हालत में आई है वो मेरे लिए भी एक क्वेश्चन है। पहली बार मैंने कुरियर किया, पहली बार मैंने ट्रांसपोर्ट में बाइक डाली है, अभी उसका प्राइस कितना हुआ, बाइक कौन से कंपनी से भेज रहा हूँ, ये सारे सवाल पूछे जा रहे, लेकिन उसका आंसर मैं शिद्दत से दूंगा, शांति से दूंगा। रिव्यू देने से पहले एक्सपीरियंस तो लिया जाए, एक्सपीरियंस एक बार अच्छा आए तो मैं शेयर कर सकता हूँ। और जो ज़रूरी क्वेश्चन है, सबसे पहला है लद्दाख का बजट, तो लद्दाख के बजट के बारे में मैं व्लॉग के एंड में आपको बता दूंगा। दूसरी चीज़ है रूट, तो रूट देखो, अभी मैं मुंबई से गया था, मैं अपना रूट बता सकता हूँ। मैं मुंबई से गया गुजरात, राजस्थान, उसके बाद हम लोग पंजाब में एंट्री किया, पंजाब के बाद हम लोग जम्मू से, श्रीनगर से लेह में एंट्री किया, लेह से हम लोग निकल के मनाली आए, मनाली से रिटर्न हम लोग चंडीगढ़ आए, चंडीगढ़ से हम लोग फ्लाइट से रिटर्न आए। अभी इसमें एक ही चीज़ है, आप अगर ट्रैवल करना चाहते हो, सब रोड एकदम टन टनाटन है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आप जब जम्मू से श्रीनगर जाओगे तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन मैनेजेबल है। लेकिन लेह से आप जब मनाली आओगे, वो सबसे डिफ़िकल्ट रोड लगा। मतलब मैं जितना घूमा हूँ, मैं न्यूब्रा घूमा ये वो, लेकिन सबसे डिफ़िकल्ट मुझे लगा लेह से मनाली वाला रोड, और वो डिफ़िकल्ट के साथ थोड़ा रिस्की भी है। अगर आप वो रोड अवॉइड कर सकते हो, अगर आपको ट्रू एडवेंचर का मज़ा लेना है, तो आप वो रोड चूज़ कर सकते हो, आप लेह से मनाली आ सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके राइड में ऐसा आपके साथ कोई हादसा ना हो, श्रीनगर से लेह में जा सकते हो, रिटर्न आप लेह से श्रीनगर वाले रोड से नीचे उतर सकते हो। हमारे ग्राउंड की हालत तो तालाब से कम नहीं है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। अच्छा हुआ थोड़ा कम तो हुआ है। और भाई ऐसे हो, अभी जहाँ पे जाना है वहाँ पे हमें दिखा रहा है 19 मिनट, लेकिन 19 मिनट भी हमारे ट्रैफिक में निकलने वाले हैं। पूरा रेड रेड हुआ है ट्रैफिक में, हमारे 20 मिनट गया, 20 मिनट गाड़ी जगह से हिली नहीं है, और ये एक मिनट गया। ये साइड पे है रोड, लेकिन गड्ढों के डर से कोई डाल नहीं रहा। वो ऑटो वाले निकल गया तो ये हमारी गाड़ी जाएगी। यहाँ से निकलोगे ना अंकल, तो आप लद्दाख के लिए पात्र हो। ये अपना गाड़ी नंबर 1 उतर रहा है। परेश भाई का गाड़ी आ गया, अभी मेरा गाड़ी निकालने वाला है। इतना हम लोग ने सोचा था, अभी दिखने में तो सिक्योर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आराम से शिद्दत से उतार रहे हैं। अभी खोलने के बाद पता चलेगा अंदर की कंडीशन क्या है। तो मुझे भी बहुत सारे डाउट थे, मैंने भी पहली बार ट्रांसपोर्ट में डाला है। अभी यहाँ पे तो मैं देख रहा हूँ प्रॉपर ये लोग ने लॉक किया है, यहाँ पे बेल्ट ने लॉक किया है, बीच में आगे के साइड में भी ये लोग ने लॉक कर दिया है। अभी जब ये पूरा खुल के बाहर आएगा तो ही हमारे दिल की तसल्ली होने वाली है, ये गाड़ी आई कैसे है। बस अगर तो अपना निकल गया है, एकदम परफेक्ट है, चालू भी कर दिया भाई ने। आगे के साइड पे थोड़ा संभाल के, पेट्रोल भरने के लिए जाना है तो भी जगह नहीं है, क्या चालू है अपने देश में। दोनों गाड़ियां विदाउट विंडस्क्रीन चला रहे हैं हम लोग, ऐसे लग रहा है दोनों गाड़ी के कपड़े निकाल दिए हैं। अपने यहाँ पे पेट्रोल है 106.67, तो गड्ढे तो है, पानी की वजह से पता नहीं चल रहा है कितना डीप है, लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से जाना पड़ेगा, वहाँ से एंट्री नहीं है। रुको थोड़ा, ट्रक को आगे जाने देते तो ये दिखाई देगा। अरे वो पानी की वजह से मैंने लेफ्ट साइड में नहीं डाला। ओए ओए आज आप में से किसी का भी कंप्लेंट नहीं आएगा, विंडशील्ड क्लीन नहीं है, विंडशील्ड से व्यू कट हो रहा है। अभी कुछ कट नहीं होगा, अभी सामने का सब दिखाई देगा। ऐसा चलाने में मज़ा आ रहा है, लेकिन रॉन्ग रन में ये फटीग पैदा करेगा।
मुझे इसे वॉश करनी है, लेकिन वॉश करने से पहले इसे विंडस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। अभी ऐसा लग रहा है गाड़ी पूरी हो गई। फाइनली ये बैग आ गया। ये खोलने की अभी मेरे में हिम्मत नहीं है। इसमें अपना राइडिंग बूट है, राइडिंग पैंट है, राइडिंग जैकेट है, और ये सब स्ट्रैप जो बैग के लिए यूज़ किया था, इसे सब वॉश करने के बाद ही ठीक लगेगा। ये सारी तामझाम के बाद अभी आते हैं मुद्दे वाली बात पे। दो सवाल हमें पूछे गए थे, एक लद्दाख के बजट के बारे में, और दूसरा हम लोग ने बाइक जो ट्रांसपोर्ट किया उसका पैसा कितना लगा और कौन सी कंपनी थी। तो कंपनी थी VRL, हम लोग ने VRL से ट्रांसपोर्ट किया। VRL के बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनी थी, सही भी सुना था, गलत भी सुना था। बहुत लोग के बाइक के साथ गलत भी हुआ था, डैमेज भी हुई थी, तो मुझे थोड़ा टेंशन था ट्रांसपोर्ट करते समय, लेकिन मुझे देखना था कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। आई नो ये थोड़ा रिस्क वाला फैक्टर है, लेकिन ये ज़रूरी था। आने वाले दिनों में हम लोग ऐसे कुछ प्लान करने वाले जहाँ पे बाइक ट्रांसपोर्ट करनी पड़ सकती है, तो मुझे ये सारी चीज़ें चेक करनी थी। तो मेरी बाइक सही सलामत आई, शायद से VRL से पहले गलतियाँ हुई होगी, लेकिन मेरे साथ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, एक सिंगल स्क्रैच भी नहीं है गाड़ी पे। जब बाइक वहाँ से अनलोड हो रही थी, वहाँ पे हम लोग थे, हम लोग ने प्रॉपर देखा ये लोग कैसे ट्रीटमेंट देते हैं। सही ट्रीटमेंट दिया, खोलते समय भी बहुत प्यार से खोला। यहाँ वहाँ जब बाइक कर रहे थे तो क्रेन से प्रॉपर कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, कोई भागम भाग नहीं, कोई जल्दी नहीं थी उन लोग को, एकदम प्यार से सही ट्रीटमेंट दिया। अभी आते पैसे पे, पैसा कितना लगा। देखो हमारी जो बाइक है V-Strom 650 टाइगर, ये दोनों बाइक के लिए हम लोग ने सेम केज लिया था, सेम साइज़ का केज लिया था, तो ये सबसे बड़ा वाला केज था उनके पास, तो उसका हमें प्राइस पड़ा 17,000 चंडीगढ़ से मुंबई तक। अभी बहुत अलग अलग केज थे उनके पास। अगर आपके पास छोटा बाइक है, आपके बाइक का साइज़ कम है, तो आपको छोटा केज लग सकता है, जैसे कि ड्यूक 390 को छोटा केज लगेगा। ऐसे अलग अलग बाइक के हिसाब से उनके पास केज है, तो आपको केज सिलेक्ट करना पड़ता है। जितना केज का साइज़ छोटा होगा उतना आपका पैसा भी कम हो जाएगा। उनके पास दूसरा भी ऑप्शन था, अगर आप विदाउट केज भेजते हो, डायरेक्ट आप ट्रक में आपकी गाड़ी लोड करते हो, जो कि रिस्की है, 100% रिस्की है, वो आपको पैसा कम पड़ेगा, मतलब इससे वो आधा पैसे में हो जाएगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, अगर आपको आपकी बाइक सही सलामत मुंबई लानी है तो थोड़ा दो पैसा एक्स्ट्रा जाएगा, लेकिन ये सही तरीके से आएगा। और मेरे बहुत सारे फ्रेंड ने अभी लद्दाख के टाइम में चंडीगढ़ से मुंबई किया है, मुंबई से चंडीगढ़ किया है, किसी के साथ प्रॉब्लम नहीं हुआ है। पहले VRL के साथ प्रॉब्लम आए हैं, लेकिन ये टाइम किसी के साथ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। नमस्कार, तो अभी हम लोग बात करते हैं बजट के बारे में। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमें बहुत बार पूछा गया है बजट के बारे में। पहले बताने से पहले मैं एक सिंपल लाइन में आपको बताता हूँ, किसी का भी बजट सेम नहीं हो सकता। हर एक की बाइक अलग होती है, हर एक के बाइक को पेट्रोल अलग लगता है, हर एक के बाइक का मेंटेनेंस अलग होता है। आप जहाँ पर रहते हो वो अलग अलग स्टे होते हैं, आपका फूड में चेंजेस होते हैं, आपके ट्रैवलिंग में चेंजेस होते हैं, हर एक का तरीका अलग होता है। तो आपको बजट किसी के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। जो भी लोग बजट बताते हैं 40,000, 50,000, 60,000, उसमें उसका एक्सपेंस अलग अलग होता है। तो मैं आपको एक सिंपल तरीके से बताता हूँ, आप जब भी कहीं पे ट्रैवल करना चाहते हो तो आप अपनी एक कैटेगरी बनाओ। सबसे पहले आप ट्रैवल कैसे करोगे, उसमें बाइक आती है, कार आती है, प्लेन आता है, ट्रेन आता है, आप किसी भी व्हीकल से ट्रैवल कर रहे हो तो उसका खर्चा आप निकाल सकते हो। होटल आप एक डिसाइड कर सकते हो कि मुझे दिन का 1,000 रुपीज़ होटल में इन्वेस्ट करना है, या मुझे 2,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना है, इस हिसाब से आप बजट बना सकते हो। मैं ये चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ, देखो मैं आप एक अमाउंट तो बताने वाला हूँ कि मेरा खर्चा कितना हुआ, लेकिन अगर आपको ये सारी चीज़ें पता हो तो आप अपना बजट बना सकते हो। तो आपको किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं। मैं तो आपको सीधा बोलता हूँ, मेरे पे भी डिपेंड मत रहो, बिकॉज हर चीज़ अलग होती है, हर टाइम का सिनेरियो अलग होता है। कभी कभी ऐसा होता है, एक जगह पर मैंने नोटिस किया, मेरा फ्रेंड वहाँ पर 10 दिन पहले रुका था, उसे होटल का जो प्राइस मिला और मुझे 10 दिन के बाद जो प्राइस मिला उसमें डिफरेंस था, उसे ज़्यादा मिला, मुझे कम मिला। उसके पीछे अभी रीज़न पता नहीं कि मुझे कम क्यों मिला। इसीलिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि आप बजट कैसे बना सकते हो। हर कोई बजट बताता है, तो मैं आपको जानबूझ के बजट कैसे बना सकते हो ये बता रहा हूँ, ताकि आप इंडिपेंडेंट रहोगे। तीसरी चीज़ आती है, आप फूड पे कितना खर्चा करोगे। ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि आपको कितना पैसा रखना है साइड में, या कितना आपको एक्सपेंस करना है, बिकॉज आपका दिल करेगा जहाँ पे जो खाना है वो आप खाते जाओगे, आप पे वो डिपेंड करता है। और सबसे लास्ट चीज़ आती है, आपको स्पेयर में पैसा रखना, और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी चीज़ का एक बजट बना रहे हो, किसी भी ट्रैवल प्लान का एक बजट बना रहे हो, अगर समझो 50,000 का बजट है तो उसमें आपको 10-20,000 एक्स्ट्रा रखना है। उसके पीछे रीज़न यही होता है कि समझो कोई इमरजेंसी आई, आपके व्हीकल के साथ इमरजेंसी आ सकती है, आपके खुद के साथ मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, तो ऐसी सिचुएशन में आपके जेब में पैसा होना बहुत ज़रूरी है। अभी लद्दाख में ट्रैवल कर रहे हो तो एक चीज़ हमेशा फॉलो करना, बहुत जगह पे आजकल गूगल पे, फ़ोन पे या फिर कार्ड चल जाता है, लेकिन अगर आपके पास कैश है तो आपको बहुत आसानी होगी।
होगी। आप श्रीनगर क्रॉस कर रहे हो, ये साइड से मनाली क्रॉस कर रहे हो, तो आप पैसे निकाल के रखो, जेब में पैसा रखो। मुझे भी इतनी आदत नहीं थी, परेश ने मुझे ये आदत लगाई। परेश को आदत है कि परेश डिपेंड नहीं रहता गूगल पे, फोन पे, कार्ड पे। ये आदत जरूरी है, आप जब रिमोट एरिया में ट्रैवल करते हो तो आपको पैसे साइड में रखने चाहिए, ताकि आसानी होती है चीज़ें मैनेज करने में। तो अभी मेरा जो टोटल खर्चा हुआ वो 72,000 या 73,000 हुआ। ये बहुत ज़्यादा खर्चा है, एक्सपेंसिव राइड हुई हम लोग की, बिकॉज हम लोग ने जो स्टे किए वो थोड़े एक्सपेंसिव थे, हम लोग के बाइक को ज़्यादा पेट्रोल गया। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप आपके बाइक के हिसाब से और सारी चीज़ें देख के मैनेज करते हो तो आपका बजट कम भी आ सकता है, आपका बजट ज़्यादा भी हो सकता है, कई कई लोगों का इससे भी ज़्यादा हुआ है। तो बस मुझे बजट के बारे में यही कहना था, जो मुझे लगता था वो मैंने आपसे शेयर किया। शायद मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दिए, लेकिन अभी भी आपको लग रहा है कि मैंने कुछ सवालों के जवाब नहीं दिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, नेक्स्ट ब्लॉग में हम लोग वो सवाल लेंगे। तो बस गाइस, आज के ब्लॉग में हम लोग यहाँ पे ही रुकते हैं। अगर आपको किसी भी कारण से ये ब्लॉग पसंद आ रहा है तो ब्लॉग के नीचे एक लाइक है, उसे दबाते समय आपको कंजूसी नहीं करनी चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते समय भी आपको कंजूसी नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।